ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर सिखाया था आपको कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है यस ना। सर, यस सर, उसके बाद मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, केवल डायरेक्शन होता है। यस यस सर, उसके बाद मैंने बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर हैं। यस और फिर ये बताया था कि किसी भी डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तीन रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। यस, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर को ये आई कैप, जे कैप और के कैप में कैसे लिखते हैं। सो हेडिंग इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें दो बातें होंगी। पहला, अगर वेक्टर मेरा किसी एक प्लेन में है, टू डायमेंशनल प्लेन में, इफ अ वेक्टर lies in a two-dimensional plane, जैसे ऐसे समझो, प्लेन समझते हो ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन किसको कहते हैं, दिखाया था ना पिछली बार। जस्ट समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, मान लो ये एक एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया वेक्टर। तो हम ये बोलेंगे कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बनाता है, इसको ओ, इस पॉइंट को ए कहते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको एम कह देते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको एन कह देते हैं। तो जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे उसके हिसाब से ये जो वेक्टर ए होगा ये ओ एम और ओ एन वेक्टर का सम होगा, ऐसा लिख सकते हैं अब। यस सर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, आया ना? पक्का? अब ये जो ओ टू एम है, इस ओ टू एम डिस्टेंस को हम लोग मॉड ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये जो ओ टू एन डिस्टेंस है इसको मॉड ए इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं?
नहीं सर नहीं आया, कैसे आएगा मुश्किल। इन ट्रायंगल ओ ए एम दिख रहा है, cos theta is b by h, that is om upon oa, so om ho gaya oa cos theta, that is mod of a cos theta ho gaya, boliye. Yes sir. Koi doubt nahi shayad. Similarly ओ एन हो गया मॉड ए साइन थीटा, पक्का? यस सर। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको ओ एम को ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ आई कैप प्लस मॉड ऑफ ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ जे कैप इज वेक्टर ए। बोलिए ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ए कॉस थीटा है और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ओ एम को मॉड ए कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं। यस सर। सिमिलरली ओ एन को मॉड ए साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं। यस सर। फाइनली ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो या फिर चीज। तो अगर ये आई कैप जे कैप है मतलब एक्स वाई प्लेन में है, ये जो मॉड ए कॉस थीटा है इसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और जो मॉड ए साइन थीटा है इसको हम लोग कहते हैं y कंपोनेंट का वेक्टर। ठीक है, ax is mod a cos theta and ay is mod a sin theta। कॉमन सेंस से दिख रहा है कि mod a का स्क्वायर इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दिख रहा है? बोलो, बोल तो सही। समझ आया नहीं समझ आया? नहीं आया सर। नहीं आया, नहीं आया सर। हाँ हाँ, कैसे आएगा, क्या नहीं आया बोलो, बताओ मैं बताता हूँ। ax स्क्वायर प्लस ay, तुम लोग क्या मतलब क्या बोलूं मैं, मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा तो इतना नहीं बैठे बैठे मतलब हिस्ट्री के जैसा पढ़ते हो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करके देखो तो क्या आ रहा है। यस सर। यस सर। आ गया ना, तो ये कौन सोचेगा, मतलब मैं बोलूंगा कि अब सोचो तो इस स्विच लगा हुआ है तब सोचना शुरू करोगे, उससे पहले स्टैचू के जैसा बैठ के देखते रहोगे कि पढ़ाई का प्रोसेस है कंटिन्यूअसली दिमाग का इस्तेमाल करना। और यहां से नहीं समझ आ रहा है तो यहां से समझ आ रहा है, इस ट्रायंगल से ये एक्स है, ये ए वाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ डेफिनेटली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। यस सर। कॉमन सेंस है, दिमाग खुला रखोगे तब तो चुपचाप आके बेवकूफ पे ऐसा बैठ जाते हो सीधे कि चलो जैसे खाना है उठना है बैठना है वैसे ही क्लास भी जाना है, तो खोल के अपना लैपटॉप बैठ गए चुपचाप देख रहे हैं, कोई दिमाग लगाना नहीं है, उसके वो दिमाग क्यों खर्च करें, अभी से एग्जाम के टाइम में खर्च करेंगे, ऐसा नहीं होता है, खर्च करने से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अभी से बचा के रखोगे तो दिमाग एग्जाम के दिन सब बढ़िया से यूज होगा, रॉ ब्रेन नया, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
एकदम अलर्ट रहो, कॉपी कर लो। सर हेलो सर, बोलो बोलो सर। हमने वो मॉड ए स्क्वायर किया, वहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ए वाई नहीं आएगा। क्या बोलते हो? क्या बोल रहे हो तुम? लिखो, कागज पे लिखो, हवा में बैठ के ऐसे सोचो मत। लिखो, देखो आ रहा है क्या? टू एक्स वाई एक्स लिखा हुआ है, मॉड ए कॉस थीटा, हाँ या ना? बोलो पहले, एक्स लिखा है मॉड ए कॉस थीटा? और ए वाई मॉड ए साइन थीटा लिखा है? हाँ। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। चमका कुछ? पक्का? सर आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड जब वन होता है तो सर हमने फॉर्मूले में मेंशन क्यों किया है? क्योंकि डायरेक्शन भी तो बताना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है? ओके सर। हाँ सर, वेक्टर का काम केवल मैग्नीट्यूड बताना थोड़ा ना होता है। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। लिख लिए? एक मिनट सर। हो गया सबका? यस सर। बताओ इसको जल्दी से क्या होगा?
हुआ सबका? यस सर। क्या हुआ? क्या है आंसर बताइए? आई रो थ्री ऑप्शन सी। सी आया, गलत आ गया। ये 10 है। हाँ सही आया, सही आया। 30 degree टू वर्टिकल है ना? हाँ सर। तो ये 30 degree हो गया, मतलब ये 60 degree हो गया। ये हॉरिजेंटल वाला डायरेक्शन है, ये वर्टिकल वाला डायरेक्शन है ना? तो आपसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूछा है, मतलब इसका लेंथ पूछा है। बोलिए। तो ये अगर 10 है, ये एंगल 60 degree है, तो ये 10 cos 60 degree होगा, विच इज नथिंग बट 5 newton। कोई डाउट? बोलो। यस सर। आगे बढ़ो। 1 minute। नेक्स्ट एक और वन लाइनर छोटा सा क्वेश्चन करो।
पार्डन क्या आंसर आया 37 डिग्री एंड 24 एंड वेरी गुड सबका हो गया सबका हो गया यस सर अरे वाह चलो फिर भी बता देता हूँ कोई ना कोई तो पूछेगा है एक वेक्टर है जो थीटा है हॉरिजेंटल से थीटा है कह रहा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 18 है और ये है 30 न्यूटन तो ये 30 न्यूटन है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये वाला 3 न्यूटन 30 sin theta होगा बोलो यस सर 30 sin theta की वैल्यू 18 दिया हुआ है मतलब साइन थीटा की वैल्यू 18/30 दैट इज 3/5 सो थीटा इज 37 डिग्री आया ना सर 37 कैसे है लेक्चर नंबर 1 रेफर नोट्स अभी लेक्चर नंबर 1 का नोट निकाल के देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पूछा है तो 30 cos theta होगा तो 30 cos 37 कितना होता है 4/5 ये हो जाएगा 30 × 4/5 तो दूसरा आंसर हो जाएगा 24 न्यूटन आया समझ में हाँ सर सर मैंने अलग जैसे थोड़ा किया क्या अलग किया सर मैंने पहले रेशियो निकाल लिया साइन थीटा का तो 3/5 साइन थीटा का रेशियो कैसे निकाला सॉरी सर 30 sin theta का रेशियो निकाला मैंने तो मेरा एक ट्रिपलेट आया 3/5 आया एंड मुझे पता है कि अगर ट्रिपलेट से पाइथागोरियन ट्रिपलेट से जो ऊपर वाला जो कुछ नहीं समझा 30 sin थीटा को क्या किया 18 से इक्वेट किया तो वो तो हमने भी किया हां सर उसके बाद मेरा जो वो 3/5 आया ना तो मैंने एक वो निकाला उसका ट्रिपलेट निकाल लिया मतलब कि 3/5 and 4 आएगा आंसर तो जिसमें से 5 जो रहेगा मेरा हाइपोटेन्यूस रहेगा 3 मेरा वो वर्टिकल एंगल रहेगा और जो ऊपर वाला एंगल रहेगा 4 रहेगा तो नया क्या किया मैं अभी भी नहीं समझा ये तो यही कहानी है इसमें नया क्या है मैं नहीं समझा इसमें नया क्या है ऐसे ही करके थीटा 37 निकाला होगा तुमने ना तो ये पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली ये 30 है ये 18 है तो ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू √30² - 18² ऐसे किया होगा हां सर यही ना हां इसको नया मेथड नहीं तो वही काम है वही ट्रायंगल यूज कर रहे हो वही कुछ कुछ तो कन्वीनिएंट वे है ना हां हां ये सब कोई ये तो ठीक है हां अच्छा है चलो ये वाला करो
क्या आंसर आया? एट। और किसी को? एक आंसर एट किसी ने मैसेज किया है, दूसरा आंसर किसी ने मैसेज किया है एट अपॉन रूट थ्री। देखते हैं बाकी लोगों को आया? नहीं। और किसी को आया? एट अपॉन रूट फाइव, बहुत लोग आंसर बोल रहे हैं, फिर एट भी बोल रहे हैं। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। अ वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड एट न्यूटन, ठीक है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है नोट डाउन करते चलिए। सो मॉड ऑफ बी एट है, इज एडेड टू अ वेक्टर ए विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट इट बी स्मॉल ए आई कैप। The sum of two vector is third vector which lies along y-axis. अच्छा, तो वेक्टर ए है ए आई कैप, और वेक्टर बी को मैं अपने मन से मान लेता हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। लिख सकते हैं ऐसा, है ना? बोल तो सही।
कह रहा है द सम ऑफ दीज टू वेक्टर लाइज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इन दोनों का सम कर देते हैं ए और बी का, ए और बी का सम कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ऐसा मिलेगा। अब ध्यान दो, ये किधर लाई करता है, अलोंग वाई एक्सिस, है ना? यस सर। मतलब आई कैप का कोफिशिएंट जीरो होगा। यस सर। और हैज मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू जरूर 2a j कैप होगी। यस सर। मतलब by की वैल्यू 2a हो गई। यस सर। बन गया, यहां से मुझे क्या क्या मिल गया, मिल गया bx इज माइनस ए एंड by इज 2a, मिल गया ऐसा। माइनस ए कैसे मिला? अरे a प्लस bx जीरो है तो bx कितना होगा? सर मॉड ऑफ बी एट है, मतलब अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर की वैल्यू एट होगी, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इसकी वैल्यू एट होगी, मतलब ए रूट फाइव की वैल्यू एट होगी, मतलब ए की वैल्यू एट अपॉन रूट फाइव होगी, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया था बहुत लोगों को ये आंसर, बहुत लोगों ने मैसेज किया था एट रूट फाइव। सिद्धार्थ, हर्षित, सुमित, इप्सिता, आर्यन, शिवांश 8√3, सोहम 8, बाकी लोगों का रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ो। दो मिनट। सर ए प्लस बी एक्स जीरो कैसे हुई? मालूम नहीं, पता ही नहीं, तुम लोग साइंस करते हो। कितनी देर क्वेश्चन दिया, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा ना, वो भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में लिखा है कि इन दोनों का सम वाई एक्सिस के लॉन्ग है। बोलो तो y एक्सिस के अलोंग है, मतलब x में जीरो होगा, मतलब i कैप का कोफिशिएंट जीरो होगा, वो अगर नॉर्थ में जा रहा है तो ईस्ट में जीरो होगा ना। हाँ सर। तो आया समझ में? आया कि नहीं? आया सर। बोलो ना, बोलोगे तब तो, न बोलना है न सुनना है, अपने मन से तुम लोग उसको सोचते रहते हो। एक्टिव रखो दिमाग को, ऐसे बैठ के आराम से डल टाइप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, एकदम एक्टिव रखो। एक एक वर्ड इतनी देर, कम से कम 10 मिनट में दिया हूँ, 10 मिनट कुछ नहीं करते, क्वेश्चन का एक एक लाइन भी पढ़ते तो ये बात 1 सेकंड में समझ आ जाती कि क्यों मैंने आई कैप के कोफिशिएंट को जीरो किया है। तुम लोग एक्टिव ही नहीं हो, डल के जैसा बैठे रहते हो।
वैसे जैसे आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा नहीं रहता है, सर कुछ लिख देंगे, मैं कुछ कॉपी कर लूंगा, लाल पीला कर लूंगा, नोटबुक भर जाएगा, चला। ऐसे आईआईटी की तैयारी नहीं होती भाई। आईआईटी के लिए एकदम दिमाग को 24/7 अलर्ट मोड पर रखना पड़ता है। आगे बढ़ूं? एक ये क्वेश्चन करो जल्दी, तुम लोगों से खुद से होने लगेगा क्वेश्चन तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, आगे बढ़ूंगा।
आया कुछ? आया कुछ? अरे बोलो ना, हाँ ना तो बोल सकते हो ना। नहीं, इतनी बार समझाया, अलर्ट रहो, बोलो कुछ, बैठे हो आराम से। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 एंड 6, क्या मतलब हुआ इस बात का कि वेक्टर ए को मैं लिखूंगा 4i cap + 6j cap, आया ना? यस सर। द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्लस बी आर 10 एंड 9। तो दूसरा मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी क्या है, तो 10i cap + 9j cap है ऐसा। द लेंथ ऑफ बी मतलब मॉड बी चाहिए मुझे, एंड एक्स एक्सिस के साथ बी कितना एंगल बनाता है वो थीटा चाहिए मुझे। तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये बात तो समझ आ गई होगी ना? बी कितना होगा? ए प्लस बी में से वेक्टर ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी मिलेगा। हाँ सर, 6i cap + 3j। तो 10i cap + 9j cap में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4i cap + 6j cap को, तो 10 - 4 6i cap, 9 - 6 3j cap ऐसा होगा। तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6² + 3² हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हाँ पक्का? यस। इसको हम लोग मॉड बी कॉस थीटा और इसको हम लोग मॉड बी साइन थीटा लिखेंगे। यस सर। So, mod b cos theta is 6 and mod b sin theta is 3, लिख सकते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan theta 1/2 मिलेगा। So, theta is tan inverse 1/2, ये theta का आंसर हो जाएगा। चमका कुछ? यस सर। कॉपी कर लो। उदित ने सही आंसर दिया था, आर्यन ने सही आंसर दिया था, इप्सिता ने सही आंसर दिया था, मैत्री ने भी सही आंसर दिया था।
आगे बढ़ूं। बोलिए। यस सर। एक और करो। दिमाग लगाओ इसमें, ये आप लोगों के लिए नया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। क्या आंसर आया सर? ए। सॉरी ए। ए आया सर। कैसे आया ये बेटा? सर सर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सो वो दैट विल बी रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर सर वो 25 आ जाएगा। और फिर सर क्योंकि सर एक सेकंड हाँ सर पर मतलब वो ए और ए की डायरेक्शन मैच नहीं हो रही सर नहीं आया सर। और किसी को आया?
ऐसे सॉल्व करो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वो तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? सर फॉर द सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर 3i cap plus 4j cap upon root over 3 square plus 4 square. That will give the direction and for magnitude root over 7 square plus 24 square. Very good, बहुत अच्छा. जो तुम्हारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है ना, और उसका डायरेक्शन a के अलोंग है. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी को अगर मैं ए के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम चलेगा. सो मैग्नीट्यूड बी ए के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सीखा था लास्ट क्लास में. यस सर. वेक्टर बी हो गया मेरा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. वेक्टर ए मेरा हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप. और वेक्टर बी मेरा हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ऐसा होगा? बोलो. तो ये 25 होगा. बोल भाई कुछ तो बोल. और ये 5 होगा. तो 15 i cap प्लस 20 j cap ऐसा कुछ आंसर होगा. आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो ये अभी मैं बता रहा था केस वन, जब वेक्टर आपका टू डायमेंशनल प्लेन में है. वेक्टर आपका थ्री डायमेंशनल प्लेन में भी हो सकता है. When a vector lies in three-dimensional space का example बताया था पिछली बार, mosquito वाली कहानी सुनाई होगी मैंने? No sir. कोई तो यस सर बोल रहा है. मैंने बताया था ना कि टू डायमेंशनल स्पेस का मत में क्या हुआ? कोई कुछ बोला? हाँ सर बताया था मॉस्किटो का. हाँ बताया था ना कि कोई मॉस्किटो अगर यहाँ पर है तो इसके पोजीशन को बताने के लिए तीन रेफरेंस लाइन चाहिए, एक्स से कितना वाई से कितना, ऐसा याद है? सपोज ये मेरा तीन रेफरेंस लाइन है,
इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूं, इसको वाई एक्सिस कहता हूं, और ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस ये नोटबुक के प्लेन से बाहर है, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? यस सर। ये वाली लाइन नोटबुक के प्लेन से बाहर है, ऐसे समझो। ये है एक्स एक्सिस का लाइन, ये है वाई एक्सिस का लाइन, तो ये है जेड एक्सिस का लाइन। समझ आ रहा है? तो ये मोटा वाला मार्कर दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये पेन वाई एक्सिस और ये पेन जेड एक्सिस, ठीक है? अब अगर कोई वेक्टर इस प्लेन में ऐसे है, ध्यान से देख सब, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इंडिपेंडेंट एंगल बनाएगा ना। इंडिपेंडेंट मतलब जब वो केवल एक्स वाई प्लेन में था तब तो अगर एक्स एक्सिस से थीटा तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा। यस सर। Yes, जब ये एक्स वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से म्यूचुअली 3 डिफरेंट एंगल बनाएगा, जिसका आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन हम अब नहीं कह सकते। तो ये तुम्हारा कोई एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। ये समझ आया? यस सर। और ये वेक्टर ए है, तो कॉमन सेंस से देखो, सब ध्यान से समझेगा। पहले मैं इस वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड ऑफ ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड ऑफ ए कॉस गामा के कैप, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। पक्का सबको समझ आया कि नहीं? बोलो जल्दी, जल्दबाजी मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ आया तो बताओ। यस सर। हाँ बोलो बोलो, कोई तो कुछ बोला। लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस अगर दिया नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, जो लिखा है वो समझ आ रहा है कि अपने मन से कुछ प्रॉब्लम अज्यूम कर रहे हो तुम? सर वो कॉस ही क्यों होगा? कॉस ही, हाँ ये ऐसे पूछो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट होगा, यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ना। यस सर। तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन मॉड ए। यस सर। वाई के लिए यहां से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस से इसका एंगल बीटा है। यस सर। तो यहां लिख सकते हैं कॉस बीटा is equal to ay upon mod a। yes sir। z component के लिए यहाँ से z axis पर perpendicular draw करेंगे, दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से z axis पर perpendicular draw करेंगे तो ये 90 degree है,
दिखा पाना मुश्किल है जैसा मैं कह रहा हूँ। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ AZ है। Yes, sir, I understood. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. So this is AX, this is AY, and this is AZ. अब देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ये मॉड a का स्क्वायर होगा। सबको मालूम है होगा कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, प्रूफ देखो इसका कैसे होगा समझते हैं इसको। सब ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा सब देख, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, इसको नहीं मान लूं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर ए हो गया। है ना? Yes, ये डिस्टेंस x कहलाएगा, ये डिस्टेंस z कंपोनेंट होगा और ये y कंपोनेंट ay होगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये जो बॉडी डायगोनल का लेंथ है यही लेंथ मॉड a होगा। Yes, होगा। तो क्या कर दो, सब ध्यान से समझो, मैं इसको मिला देता हूं ऐसे ये वाले प्लेन पे। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हो गई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हो गई? यस सर। और ये इस पर परपेंडिकुलर है? यस सर। और ये लेंथ ए वाई है? यस सर। तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है मॉड ए इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए जेड सॉरी प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो दिख गया मॉड ए इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यस सर। मतलब इस क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल समझ लो। आया समझ में? यस सर। तो पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो।
कितनी है? यस सर। बोलोगे नेक्स्ट? ये समझ आ गया तो नोट टू देखो। ये cos alpha is equal to x upon mod a होगा? Yes sir. cos beta is equal to ay upon mod a होगा? और cos gamma is equal to az upon mod a होगा? Yes sir. इन तीनों का नाम है, बहुत ज्यादा इस नाम का यूज नहीं है बट फिर भी इन तीनों का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी देखो। मान लो मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले देखा था न्यूमरेटर भी तो मॉड ए का होल स्क्वायर ही है। yeah. मतलब ये वन हो जाएगा। yes, sir. तो ये एक डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। दुनिया के किसी भी वेक्टर में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू वन होगी, वो वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये पिछले केस में भी ट्रू था, जब एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस से 90 बनाएगा। यस सर। तो जेड को 90 पुट कर दो, एक्स एक्सिस से थीटा है तो वाई से 90 माइनस थीटा। यस सर। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square 90 मतलब 0 which is actually 1। तो ये किसी भी वेक्टर का ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। दो मिनट। Done, sir.
क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड कौन सा नंबर होगा क्वेश्चन का फिफ्थ सिक्स कुछ तो होगा सिक्स मैं ऊपर नहीं देखा क्योंकि नंबर सिक्स मोर देन वन करेक्ट हो सकता है तो हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट कीजिए Done, sir. हो गया? Yes, sir. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं तो मेरे पास F is equal to I cap plus J cap plus root 2 K cap तो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या हो जाएगा अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर ऐसा होगा यस सर दैट इज रूट फोर दैट इज टू यूनिट
कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मींस ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी और डी, ये जेड एक्सिस से एंगल बता रहा है, तो ये मेरा जेड कंपोनेंट होगा। बोलो बेटा, बोलिए। यस सो ए जेड इज रूट टू। ए जेड होता क्या है? तो मॉड ए कॉस गामा होता है ना, मतलब टू टाइम्स कॉस गामा इज रूट टू। इसका मतलब हो गया कि कॉस गामा इज वन बाई रूट टू, इसका मतलब हो गया गामा इज 45 डिग्री, मतलब जेड एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा होगा, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग। क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर। समझ आता है तुम लोगों की? तुम लोग मेरी डांट से डरने के लिए खाली असर असर करता रहता है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, मेरे से कोई नहीं डरता है। क्या है कि वो तो मैं ऐसे ही तुम लोगों को डांटता रहता हूँ ताकि कुछ तो पढ़ लोगे तुम लोग, तो पिछले लगभग 2 साल से घर में बैठ के सब मस्ती कर रहे हो, बोर्ड वोर्ड सारे एग्जाम का तो कोई मीनिंग रहा नहीं, तो तुम लोगों के पढ़ने की आदत चली गई। एनीवे चलिए सेवेंथ वन स्टार्ट कीजिए।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आया? 2 and -4. F1 + F2 + F3. तो यहाँ P है, यहाँ -5 है, यहाँ 6 है. तो मैं लिखूंगा P -5 + 6. ये हो गया I cap की कहानी. J में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है. तो 3 + 1 J cap. K में यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1. -1 है, +2 है, -1. ऐसा है. तो ये हो गया P +1 I cap +4 J cap +0 K cap. ऐसा हो गया. कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड 5 है. मतलब 5 √P+1² + 4² है ना? हाँ सर. तो इसका मतलब दिख रहा है कि P+1 + -3 होगा. मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि 3² + 4² का रूट 5 होता है. तो ये तो मालूम ही है सबको इसके लिए, अदरवाइज सॉल्व करता. हो गया ऐसा. तो P की वैल्यू +-3 - 1 होगी. तो +3 - 1 मतलब 2, -3 - 1 मतलब -4. तो 2 और -4 दो आंसर होंगे इसके. तुमका कुछ? हाँ यस सर. सबको समझ आया? यस सर. ठीक, चलिए इसका होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. चलिए बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.